नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश में हूँ डॉक्टर तपस्या हम आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में नमस्कार एमपी हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है जो कि हम लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक समय होता है बारह से एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन्हें यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से टेलीफोन नंबर्स जो हैं लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और आज का जो तो चर्चा का विषय रहेगा उससे संबंधित आप अपने प्रश्न कर सकते हैं आपके जो भी उनसे उलझे हुए जो भी आपके मन में उलझने हैं जो भी प्रश्न हैं आप करेंगे और लगातार हम आपको जवाब यहाँ से देंगे इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी रोग निराकरण की कि उसको हमको ख़त्म करना है तो उसके लिए हम लोग मेडिकेशन की बात करने लगते हैं सोचते हैं कि दवाई एकमात्र ऐसा सोल्यूशन होता है जिससे कि हम ठीक हो सकते हैं लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके अलावा भी अगर मैं बात करती हूँ स्पर्श थेरेपी की अगर मैं बात करती हूँ साधना की अगर मैं बात करती हूँ मेडिटेशन की तो वो भी एक तरीका होता है कई सारे रोगों से निपटने का अगर हम निराकरण की बात करते हैं असाध्य रोगों की तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो स्पर्श एवं ध्यान से हम असाध्य रोगों का कैसे निराकरण कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे इसी के साथ में ये भी कहा जाता है कि अन्न दान महादान और इसी के बाद में हम ये भी कहते हैं कि अन्न को हम देवता का समान मानते हैं तो जब हम अन्न को देवता का ही एक रूप मानते हैं तो हम उसको क्यों वेस्ट करते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है जब हम ईश्वर की उतनी इज्जत करते हैं वो सही जगह देते हैं तो फिर हम अन्न को क्यों छोड़ देते हैं तो उसके बारे में हम आपसे वो बातचीत करने वाले हैं कि ऐसे सेवी जो कि बहुत ही यंग हैं उसके बाद भी वो निकल पड़े हैं ऐसे कार के लिए जहाँ पर भी वेस्ट उनको खाना दिखता है वो उन तक पहुँचा देते हैं वहाँ से लेके जिनको ज़रूरत है तो आज इन दोनों से हम ज़रूर बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको नज़र डालती हूँ आज की तिथि पर विक्रम संवत दो सप्तमी तिथि है दिन है गुरुवार तारीख है 15 दिसंबर 2022। इसी के साथ में जब मैं बात करती हूँ इतिहास की तो इतिहास कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ता है और हमें कुछ ना कुछ सीख देता है जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ही निकलते हैं तो आज के डेट में क्या कुछ खास हुआ था इतिहास में आइए नज़र डालते हैं इतिहास पर आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 1911 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई थी उन्नीस की अगर मैं बात करती हूँ आज ही के दिन 15 दिसंबर को भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के आठवें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी 2018 में गुजरात के बड़ोदरा ज़िले में देश के पहले और विश्व के तीसरे रेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1950 में जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का भी जन्म हुआ था आज के दिन और इसी के साथ में बहुत ही खास 1978 की बात करती हूँ तो गीता पोगाट भारतीय महिला पहलवान उनका भी आज के दिन जन्म हुआ था ये था कुछ खास पन्नों से हमने लिया गया इतिहास और इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आज जो हम विचार के निर्माण करते हैं वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है तो हम कैसे विचार लेकर आते हैं अपने मन में कैसे विचार हमारे मन में संजो के रखते हैं वही हमारे भविष्य की भी निर्धारित करता है कि कैसा होगा तो आइए नज़र डालते हैं आज के विचार पर शिक्षा इंसान का शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकता है अगर शिक्षा की बात की जाए तो सर्व प्रथम जगह पे शिक्षा को रखा जाता है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति हर जगह जीतता है अगर यहाँ पे जिस तरीके से विचार आज का कहता है कि सुंदरता को भी मात कर सकता है बिल्कुल अगर हम बात करें अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नेचुरली सुंदरता हमें दिखती पहले है लेकिन शिक्षित व्यक्ति जब वो बोलता है तो वो बहुत आगे तक की चीज़ें दिखा देता है तो यहाँ पे शिक्षा को महत्व देते हुए आज का विचार और जैसे कि मैंने बताया था कि आज का विषय जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं उसके लिए मैं आपसे यहाँ पे मुलाकात करवाना चाहती हूँ हमारे एक्सपर्ट का और हमारे मेहमान का हमारे बीच में हैं डॉक्टर उदय शाह जो कि एक डॉक्टर हैं स्परिचुअल साइंटिस्ट हैं आज बातचीत करेंगे स्पर्श एवं ध्यान से असाध्य रोगों का निराकरण के ऊपर सर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में और इसी के साथ में हमारे बीच में सी यानी कि कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क से सेवी हैं अभिषेक मकवानी जी हम आपका भी स्वागत करते हैं और यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले मैं डॉक्टर उदय शाह आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आज का जो हमने विषय चयन किया है जिसमें हम स्पर्श और ध्यान की बात कर रहे हैं रोगों क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं yes. तो जब हम बात करते हैं किसी भी रोग के निराकरण की तो सबसे पहले जानना तो ये जरूरी होता है कि रोग क्या है तो रोग के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं रोग को आयुर्वेदा में अलग तरीके से समझाया गया है जहाँ पे वात पित्त कफ का एक इम्बैलेंस कहा गया है और हमारे मेडिकल साइंस में रोग को कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट जब ये अटैक करते हैं आपकी बॉडी को तब आपको रोग होते हैं करके होम्योपैथी में कहा गया है कि जब आपकी वाइटल फोर्स बिगड़ती है तब आप रोगी हो जाते हो एक्यूप्रेशर में कहते हैं जब आपके मैरिडियंस इम्बेलेंसड हो जाते हैं तब आप रोगी हो जाते हो तो ये सारी जो चिकित्साएँ हैं विविध प्रकार की चाहे वो ईस्टर्न है या वेस्टर्न है ये अलग अलग अपनी बिलीफ मान्यता के हिसाब से उसको रोगी घोषित करते हैं करके लेकिन हमारा मानना ये है कि रोग को अगर हम कहें कि डिजीज़ मतलब डीज मतलब हम इजी नहीं हैं हमारे जो फंक्शंस है जो अव्यय है जो कार्य है वो ठीक तरीके से कर नहीं रहे उसको डिजीज कहते हैं तो हमें उसी को नॉर्मलाइज करना पड़ता है और मेडिकल साइंस में ये भी कहते हैं कि 95 परसेंट जो भी रोग का कारण होता है वो साइकोसोमेटिक होता है मतलब मानसिक असंतुलन के वजह से शरीर में रोग पैदा होते हैं करके तो अगर हम माइंड को पॉजिटिव करें तो शायद उससे भी हम रोग से मुक्त हो सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे करी और इसी के साथ में जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदा एक अलग डेफिनेशन दे, देता है अलिपति अलग, अलग देता है और अगर मैं वो स्पिरिचुअल की बात करूँ हाँ, तो वो एक अलग, वो देता अलग है, है। बिल्कुल तो हमारा विश्वास किस पर है हाँ, वो भी है और कहाँ पे किसकी जरूरत है ये जानना भी जरूरी है इसी के साथ में मैं अभिषेक जी आपसे जानती हूँ कि आपका जो फूड ड्राइव जो चल रहा है वो एक कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा अच्छा लगा और जैसे कि आपने बताया कि जो खाना है उसको आप लोगों तक पहुंचाते हैं लेकिन इसके बारे में और डिटेल में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है ये कॉन्सेप्ट है फूड ड्राइव मैम फूड ड्राइव का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी खाना मतलब कहीं पर भी बच जाता है किसी भी इवेंट में किसी भी जगह पर अगर वो खाना बच रहा है तो वो खाना फिकने से अच्छा किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनको भूखा सोना पड़ता है तो उनके लिए मतलब जो भी चीजें होती हैं जो इतना अच्छा खाना बनता है हर जगह पे कभी कहीं पनीर है या कुछ भी अलग तरीके की मीठी चीजें हैं और सब वो लोगों को नहीं मिल पाती लोगों के अंदर वो खाने की बहुत इच्छा होती है तो हम वही चीज़ है कि वो किसी के काम आ जाए फिकने से अच्छा वाह कितनी अच्छी बात है अभिषेक आप युवा हैं और इतना अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि युवा ज़्यादातर फेसबुक या इंस्टा रील में अपना ज़्यादा समय बिताते हैं लेकिन ऐसे युवा भी हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं उस वर्ग के बारे में सोचते हैं जिनके थाली में खाने के लिए भी नसीब नहीं होता है कि दो वक्त की रोटी मिले और उनका सोचना है अभिषेक का और उनकी टीम का कि उनको वो खाना मिले जो कि सभी हम खाते हैं पनीर है या जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ उन तक भी पहुँचे बहुत अच्छी यहाँ पर आपकी पहल है और इसी के साथ में डॉक्टर

तो जब हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो भी रोग का कारण है हमारी भावनाएं अगर नकारात्मक होती है तो भी रोग का कारण है तो ये हमारा एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऊर्जा की शक्ति होती है कि जब वो बिगड़ जाती है शरीर के अंदर जिसको हम मेडिकल साइंस में वाइटल फोर्स कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं तो जब ये लो हो जाती है तो डेफिनेटली इंसान बीमार पड़ता है और जब हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने अंदर के शरीर से ही उसे फाइट करते हैं तो ये बहुत आसान तरीका होता है अगर हम स्पिरिचुअल तरीके से उसको मैनेज करें या उसकी ट्रीटमेंट करें चिकित्सा करें ऐसा है। बिल्कुल और अभिषेक जी जैसे कि हमें पता है कि सी पी एस डी ब्लड डोनेशन ड्राइव पे काम करता है आप लोग मदर ड्राइव पे काम करते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर करते हैं कैसे आपके मन में ख्याल आया आपकी टीम के मन में ये चीज़ आई क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आपकी पूरी टीम जो है यूथ है सब उसमें कैसे आपको ख्याल आया कि हमें अब फूड ड्राइव के कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए मैम एक बार अभी कुछ समय पहले मैं एक शादी में गया हुआ था तो मैं वहाँ से निकल रहा था जब उस टाइम तो मतलब जो भी खाना था वो देखा मैंने कि वो लोग जो भी कैटरिंग वाले थे वो आखिरी में मतलब फेंक के और अलग कर कर जा रहे थे तो उत्ते में मैं अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक रोटी के टुकड़े को मतलब चार लोग बांट के आपस में खा रहे हैं तो वही चीज़ थी कि मतलब अंदर इतना सारा खाना जो बहुत इतना एक्सपेंसिव और इतना अच्छा खाना है जो लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा खुशी दे सकता है खाने से उनका पेट भर सकता है उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है वो सब चीज़ें मतलब वो फिक्र रही है और यहाँ पे लोग खाने के लिए बोल रहे हैं तो उस चीज से हम लोगों ने फिर हमने टीम में चर्चा करी और उसके बाद हम लोगों ने ये फूड ड्राइव स्टार्ट कर दी वाह बहुत अच्छी बात है हम देखते तो बहुत कुछ है लेकिन उसे महसूस कितना करते हैं बात वहीं आ जाती है जैसे कि हमने भी देखा कि खाना बहुत सारी शादी पार्टियों में फिकता है लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया कि ये खाना उस थाली तक पहुँचना चाहिए जिसको ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर सी के वो सारे यूथ समाज सेवी को मैं बहुत यहाँ पर बधाइयाँ देती हूँ कि इतनी अच्छी सोच के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं और एक समाज को एक नई दिशा और रोशनी दे रहे हैं इसी के साथ में डॉक्टर उद्देशा अगर मैं बात करती हूँ स्पर्श थेरेपी की जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि स्पर्श से और ध्यान से तो वो स्पर्श थेरेपी होती क्या है बचपन से हमें माँ का स्पर्श है उससे नाइन्टी परसेंट असाध्य रोग भी ठीक हो गए हैं मतलब बच्चे को कफ कोल्ड है या उसको गैस बलगम हो गया है तो माँ जब हाथ लगाती है सर पे या पेट पे छाती पे तो धीरे धीरे वो बच्चा ठीक हो जाता है तो उसका साइंस ये है कि हमारे बॉडी में फाइव सेंसेशंस होते हैं और उसमें जो मेन सेंसेशंस है वो विजुअल सेंसेशंस होते हैं आइस का सेंसेशन होता है सेकंड सेंसेशन किनेस्टेटिक होता है जिसको हम स्पर्श कहते हैं टच कहते हैं करके तो ज़्यादा करके अगर हम कोई चीज़ देखें जैसे अगर हम मंदिरों में जाते हैं गुरुद्वारा में चर्च में जाते हैं और जब हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं तो वो भी एक स्पर्श चिकित्सा होती है दूसरा बात जब टच करते हैं जैसे आयुर्वेदिक uh, में डॉक्टर नाड़ियाँ चेक करते हैं इवन हम भी मेडिकल डॉक्टर्स नाड़ियाँ चेक करते हैं पल्स चेक करते हैं तो जैसे कहते हैं भाई डॉक्टर ने हाथ लगा दिया मैं ठीक हो गया राइट right. समझ में कि नहीं तो स्पर्श का मतलब ये होता है दो चीज़ें हैं कि एक तो उसके सेंसेशन रिवाइव हो रहे हैं और दूसरी सामने वाला इंसान जिसकी एनर्जी हाई है जब वो टच करता है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है ट्रांसमिशन होती है तो डेफिनेटली वो भी एक ट्रीटमेंट का ही प्रकार होता है है ना हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि हम पेशेंट की स्पॉन्जिंग करते हैं है ना पेशेंट्स को आ, हम कहीं ना कहीं ई लगाते हैं आ, इलेक्ट्रो टेस्टिंग करते हैं तो जहाँ जहाँ पे टच होता है उस पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है एक्यूप्रेशर में प्रेशर देते हैं पॉइंट्स पे एक्यूपंक्चर में हम नीडल्स डालते हैं तो वो टच ऐसे होता है कि जहाँ ब्लॉक्स होते हैं वो अनब्लॉक्ड होते हैं जहाँ पे मेमोरी लॉक्ड होती है कहीं ट्रामाज है कहीं इमोशंस है वो स्पर्श चिकित्सा के वजह से वो क्लियर हो जाता है उसकी क्लियरेंस हो जाती है बिल्कुल यानी कि हर जगह एप्लीकेबल है हर, हर है। पैथी में एप्लीकेबल exactly, नहीं है। exactly. और ये आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे जो धारण आपने दिया वो हा? बहुत अच्छा लगा कि हम ईश्वर मंदिर में भी जाते हाँ, हैं और भगवान के भी हम जब छूते हैं, हैं तो हमको एक बहुत एनर्जी exactly, exactly. मिलती है और जैसे आपने पे एक चीज़ और बोली कि डॉक्टर के पास कई बार हम जाते हैं दर्शकों और अगर वो हमको नहीं छूते हाँ, तो हम बोलते हैं exactly, कि हमको देखा ही देखा नहीं और हम ठीक ही नहीं छूते तो कहीं ना कहीं स्पर्श थेरेपी हर जगह काम रही है और अगर मैं बात करूँ की इससे निराकरण भी हो सकता है बीमारियों का तो वो भी पॉसिबल अगर मैं अभिषेक जी आपसे जानू Uh, कई बार जैसे कि आपने बोला कि शादी पार्टी में आपने खाना देखा था और आपको लगा कि ये वेस्ट हो रहा है वेस्ट हो गया है कई बार वो खाना जैसे मैं गर्मियों की बात करती हूँ अभी तो ठंड है तो वो खाना कई बार ख़राब भी हो जाता है तो आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि खाना आ, सही है प्योर है मतलब पहुँचाने लायक है और खाने लायक है तो वो कैसे आपको पता चलता है मैम सब जब हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं खाना लेने तो पहले तो हम उसको सारी चीज़ें चेक करते हैं उसकी हाइजीन चेक करते हैं वो कैसे बना हुआ है सब चीज़ों को देखकर फिर उसको खाने को लेते हैं उसके बाद भी जब हम खाना कलेक्ट करते हैं तब हम उसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे कि ये मतलब कुछ भी है जैसे पूड़ी है रोटी है कि वो प्रॉपर सही है कि नहीं दाल है सब्जियां हैं वो ख़राब तो नहीं हो गई कब बनी है ये सब उनसे जानकारी लेते हैं जो हलवाई होता है उससे भी बात करते हैं कि भाई आपने ज़्यादा मसाले और ये सब तो नहीं लाला कि किसी बच्चे को दें तो वो खराब मतलब उसका मतलब उसके शरीर में दिक्कत हो जाए तो ये सब करने के बाद जब हम वापस लाते हैं और जब जैसे कभी अधिकतर ऐसा होता है कि हमें रात को ही खाना उठाना पड़ता है और वो डिस्ट्रीब्यूट अर्ली मॉर्निंग होता है तो हम पहले उसको लाते हैं और फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फिर से उसको गर्म करने के बाद फिर सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर उसको खा के देखते हैं एक बार खुद टेस्ट करने के बाद फिर दूसरों में बांटते हैं बिल्कुल जैसे कि आपने बोला कि आप लोग उसको पहले टेस्ट करते हैं उसके बाद में देते हैं तो जहाँ पर भी आप उसको देख लेते हैं लेते हैं जिनसे भी यहाँ पे हम कुछ फोटोग्राफ भी दिखा रहे हैं किस तरीके से आप लोग सड़कों पे जाकर लोगों की मदद करने के लिए उतर जाते हैं ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं बहुत अच्छी बात है लोगों के थालियों तक वो खाना पहुँच रहा है जो उसके लिए वो हकदार हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि युवा जब इस तरीके के ड्राइव्स के साथ में जुड़ता है तो मुझे लगता है कि हमारे समाज को एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है और नई दिशा मिलती है Uh, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया अभिषेक कि आप पे टेस्ट करते हैं अलाउ करते हैं वो लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं? नहीं मैम वो हम लोग हमारा मेन तो उनसे खाना जब हम उनसे लेते हैं जब हमारे पास कॉल आता है कि हमारे पास तो हम उनसे पहले तो चीज़ बोलते हैं कि आप हमें परफेक्ट जानकारी दीजिए कि कितने लोगों का खाना है हम लोग यहाँ से आएंगे और उस मतलब लोगों तक पहुँचाने लायक है कि नहीं है हम सारी चीज़ें सुनिश्चित करके जाते हैं कि सब सही होना चाहिए हम उनको ये भी बोलते हैं कि जिसने बनाया वो भी वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए ताकि हम सारी चीज़ें कर पाए और जब हम टेस्ट करते हैं उसी के बाद हम उस खाने को लेते हैं वरना अगर वो नहीं कभी कभार होता है कि वो खाना नहीं होता है आगे किसी को बांटने लायक तो हम उनको मना कर देते हैं कि ये आप खाना आपका सही नहीं है तो उसके बाद हम उसको नहीं बांटते। बहुत अच्छी हाँ पे जानकारी और इसी के साथ डॉक्टर उदय मैं आपसे जानना चाहती जैसे, तो तो जैसे शुरुआत में मैंने कहा की हम मेडिकल डॉक्टर भी ये मानते हैं कि काफी बीमारियां साइको मतलब माइंड सोमेटिक मतलब बॉडी ऐसा है करके तो अगर मन से ही बीमारी पैदा हुई है तो मन से ही ठीक हो सकती है हम मेडिकली जब दवाइयाँ देते हैं तो हम सिर्फ केमिकल मैनिपुलेशन करते हैं केमिकल करेक्शंस करते हैं जैसा किसी का शुगर लेवल बढ़ा है तो हम डायबिटीज़ की दवाई देके सिर्फ इसकी शुगर की यूनिट्स को नॉर्मल करते हैं डायबिटीज़ को निकालते नहीं हैं ट्रीट मतलब क्योर नहीं करते इसी तरह से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हम डेपिन नेपिन जो भी दवाइयाँ देते हैं सिर्फ उसका ब्लड प्रेशर की यूनिट्स को मात्रा को हम कंट्रोल करते हैं लेकिन बीमारी तो अभी भी वहीं पे है करके तो जैसे मेडिटेशन में क्या होता है माइंड शांत हो जाता है माइंड मतलब एक सॉफ्टवेयर है ब्रेन के अंदर और वो जब शांत होता है तो ब्रेन का फंक्शनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है और मैंने शुरुआत में आपको कहा कि ब्रेन के अंदर ही फाइव सेंसेशंस होते हैं जिसको हम न्यूरो सिग्नल्स कहते हैं तो जब सिग्नल्स कहीं ब्लॉक्ड होते हैं तब बीमारियां पैदा होती है तो मेडिटेशन से ये सिग्नल्स बहुत अच्छे से पास हो जाते हैं फॉर एग्जांपल आपने अभी खाना खाया जैसे अभी ये बता रहे हैं कि खाना हाइजीनिक होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए तो जब हम खाना खाते हैं तो दस पंद्रह मिनट में ये पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए लेकिन सिग्नल्स बहुत लेट मिलते हैं बीमारियों के वजह से तो इसके लिए कब्ज होता है कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी होती है अल्सर हो जाते हैं गैस बन जाती है बिकॉज पाचन रस बहुत लेट आता है तो मेडिटेशन जो लोग रेगुलर ध्यान साधना करते हैं आ, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से अपने ब्रेन को सिंपैथिक पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल कर पाते हैं और न्यूरो एकदम प्रॉपर टाइम पे सिग्नल मिलने के वजह से उसके सिक्रीशंस आते हैं उसके गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं गॉल ब्लैडर से लेके स्टमक के अंदर तो उसे कभी कोई रोग नहीं होता तो ये बहुत अच्छी बात है करके इसी के साथ में हमारे कॉलेज उड़ गए हैं डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में प्रश्न कीजिए जी जी, जी जी सबसे पहले तो मैडम बधाई हो क्या आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है कि असाध्य रोगों का ध्यान और स्पर्श चिकित्सा में उपचार मेरे संज्ञान में तो पहली बार ये टॉपिक आया है तो बहुत बहुत बधाई हो आप थैंक यू थैंक यू इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहिए तो क्या इससे लोगों में जनरल अवेयरनेस बढ़े तो लोगों को फायदा भी होगा बिल्कुल आप भी बने रहिए हमारे साथ ये प्रश्न है डॉक्टर हाँ। साहब आप ये बताइए कि कौन कौन से असाध्य रोगों में स्पर्श और ध्यान चिकित्सा का

इसलिए जब हम टच थेरेपी करते हैं या जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक एनर्जी है ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल टच की ज़रूरत है एक एनर्जी का स्पर्श होना भी ज़रूरत है जैसे एक भाव होते हैं एक फीलिंग होती है तो जब वो सकारात्मक तरीके से हमारे शरीर के अंदर स्किन के थ्रू जाती है क्यूटेनियस अब क्युटेनियस, और उसके बाद अव्याय में जाती है ऑर्गन्स में जाती है तो उसके जो भी टॉक्सिन होते हैं वो शरीर से निकलना शुरू कर देते हैं इसलिए हम कहते हैं बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन और माइंड का कैथारसिस ये दोनों होना बहुत जरूरी है और ये स्पष्ट चिकित्सा के जरिए बहुत अच्छे से होता है न्यूरो ट्रांसमिशन इसलिए जापान में चाइना में आप देखो कि वहाँ दवाइयाँ कम लेते हैं वो लोग सिर्फ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर या मसाज थेरेपी आ, या अगर हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र कहिए तो पंचकर्मा के बलबूते पे ही सारी ट्रीटमेंट करते हैं करके अनलेस अगर हमारे शरीर में कोई तत्व का कमी है विटामिन मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम्स की कमी है तब सिर्फ हमें वो सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करना पड़ता है या तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स कच्चे मेवे के फॉर्म में या तो आप कहीं ना कहीं उसको कोई एक आ, अलग दवाइयों के फॉर्म में हर्ब्स के फॉर्म में हमें जैसे अश्वगंधा है ये चीज़ें हमें देनी पड़ती है अदरवाइज uh, स्पर्श चिकित्सा से काफ़ी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती है आप देखते हो पैरालिसिस में भी जब फिजियोथेरेपी होती है तो कितना अच्छा पेशेंट को लगता है क्योंकि उसका ब्रेन में ब्लॉकेज है या ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसकी नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही न्यूरो काम नहीं कर रहे लेकिन जैसे जैसे उस उससे एक्सरसाइज करवाया जाता है उसे टच किया जाता है तो उसके अंदर एक जान सी आ जाती है, है ना और उसी के वक्त हम बातें भी करते हैं कि नहीं आप, आप कर सकते हो आप में ताकत है तो कहीं ना कहीं एक एफर्मेशन है उसको एनकरेजमेंट करने का या उसे प्रोत्साहित करने का तो ये भी एक स्पर्श चिकित्सा ही है कि शब्द के जरिए हम उसको टच कर रहे हैं कहीं विजन के जरिए टच कर रहे हैं कहीं बॉडी के ज़रिए हम टच कर रहे हैं तो जिसे इसे कहते हैं बायोसेंसर्स जिसको अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो ये पांच सेंसेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे आ, कोई भी असाध्य रोग को निकालने के लिए बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे आपने दी क्योंकि प्रदीप जी का जो क्वेश्चन था वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, नहीं पता होता, होता है लेकिन है। जिस तरीके से आपने बताया कि हम हर एक पैथी में स्पर्श थेरेपी हाँ, करते, करते ही हैं है, तो कहीं ना कहीं हम पेशेंट को ठीक ही कर रहे हैं हर बीमारी से ठीक कर रहे हैं बिल्कुल अभिषेक जब हम देखते हैं कि शादी में पार्टी में जब खाना बचता है तो काफी बड़े बड़े बर्तन में वो खाना बनता है अभी जब आप लेने जाते हैं तो फिर आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैम हम जब जाते हैं तो कई बार हम लोग उन, उन लोगों से बात कर लेते हैं कि उनके पास प्लास्टिक कंटेनर्स हैं क्या जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं उसका वरना हम अपने कंटेनर ले जाते हैं वरना वो अगर उन लोगों के पास होते हैं तो वो लोग कंटेनर में डाल के रखते हैं उसके बाद हम जब उसको वापस गर्म करते हैं चेक करने के बाद जब पूरा करने के बाद उसके पैकेट्स बनाते हैं फूड पैकेट जैसे कि ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अगर कहीं पर भी जा रहे हैं तो क्योंकि मतलब सब लोग अलग अलग, अलग जगह में जैसे 200 लोगों को खाना है तो हमारी टीम के चार डिवाइड हो जाते हैं सब अलग अलग जगह चले जाते हैं फूड पैकेट लेके और जितने लोग मिलते जाते हैं उनको देते जाते हैं तो इस चक्कर में मतलब हम लोग अपने साथ भी कैरी करते हैं अपने कंटेनर्स और अगर उन लोगों के पास होते हैं तो उनके कंटेनर्स भी ले लेते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है लेकिन ये सब कुछ बड़ा डिफिकल्ट होता होगा मैनेज करना लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ रहा होती है

जब मदर उसे टच करती है उस तब से उसके अंदर एक जान आ जाती है इसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है मतलब जैसे अभी उसको ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है तो वो भी टच थेरेपी है उसके बाद जब वो घर का खाना भी खाता है और मदर उसको स्पून फीडिंग करवाती है अपने हाथों से खिलाती है या हाथों से बनाती है तो वो भी एक स्पर्श चिकित्सा है हम गुरुद्वारा में जाते जैसे अभी ये खाने की बात कर रहे हैं तो हम अपने हाथों से जब बनाते हैं एक अच्छे भाव से एक मंत्र उच्चार करते हुए तो वो भी उसी तरह से काम करती है तो हम इंडिया में ये कल्चर है स्पर्श की अब्रॉड में जहाँ मैं इतने देशों विदेशों में जाता हूँ वहाँ पे कैसा है हर चीज़ पैक फूड है हर चीज़ प्रिजर्वेटिव है तो वहाँ पे वो टच चिकित्सा नहीं है इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर 70 परसेंट एलर्जिक कंडीशन ज़्यादा हैं इंडिया में इतनी एलर्जी कंडीशंस नहीं होती बिकॉज़ घर के जो महिलाएं होती हैं वो बहुत भाव से खाना बनाती हैं तो इसलिए कभी बच्चों को एलर्जीज़ नहीं होती है कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस नहीं होता है और बाहर से जब वो हम प्रिजर्वेटिव फ़ूड्स लेके आते हैं तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं उसके लिए रिएक्शंस बॉडी क्रिएट करता है वो रिजेक्ट करता है और उसी के वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा होती हैं बिल्कुल जैसे कि आपने बोला ना कि अभी इंडिया में ये चीज ज्यादा है लेकिन बाहर है कि वहाँ पे हमको ज्यादा मिलते हैं लेकिन स्टिल अभी भी कहा जाता हाँ, है कि पहले जो हमारी माए थी वो घर में ही खुद से खाना exactly, बनाती थी आजकल हाँ, हम लोग खुद नहीं बनाते कई बार कुक बनाते हैं तो इसलिए शायद बीमारियां भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हमारे भाव वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं अगर आप देखो कि मिल्क कंजम्पन भी इंडिया में ज्यादा है है कि नहीं तो अभी मिल्क भी कहीं काव से आई है तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्पर्श चिकित्सा के मतलब के माध्यम से ही उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्स किया गया है हनी है उसको भी ऐसे ही एक्सट्रैक्ट किया गया है इज इट राइट और जो दवाइयाँ हैं वो सारे मशीनों में बनते हैं उसमें कोई टच थेरेपी नहीं होती है तो डेफिनेटली उसमें कोई जान नहीं है कोई फीलिंग्स नहीं है कोई इमोशंस नहीं है तो डेफिनेटली वो उसको ठीक नहीं कर सकता सिर्फ उसका केमिकल करेक्शन कर सकता है करेक्ट सिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक कर सकता है हम लोग आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में एक थियरी यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पोटेंटाइजेशन अगर आपको पता होगा कि हम लोग दवाइयाँ कूटते हैं समझ में कि नहीं तो जब हम कूटते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हंड्रेड टाइम्स थाउजेंड टाइम्स तो इतनी एनर्जी अपनी स्पर्श उस दवाई में जाती है और उसकी इनहर्ट पोटेंशियलिटी बाहर आती है उसकी इनहर्ट प्रॉपर्टी बाहर आती है और उसके बाद में वो एटम बॉम्ब के जैसे शरीर को ठीक करती है बिल्कुल तभी वो जो पहले के समय में हम देखते थे आयुर्वेदा में हाँ, जो हम जड़ी बूटियां होती थी येस, उसको येस, हम पूरी तरीके येस, से येस, करते येस, थे इनफैक्ट घर में भी चटनी हाँ, जो हम बनाते थे राइट, राइट, वो हम हाथ से ही हाँ, करते मतलब आज थे। भी गांव में जो महिलाएं मसाले बनाती है वो अपने हाथ से कूटती है तो वो भी एक अपनी एनर्जी ट्रांसमिशन करती है और उसी के वजह से हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं बिल्कुल तभी हमें के के हाथ अच्छा लगता रही, है रही। और इसी के साथ मैं मैं आप में एक बजे पार्टी खत्म हो रही होती है शादिया बहुत लेट नाइट खत्म होती हैं तो कितना समय लगता है आपको वो सारा कुछ व्यवस्थित करके जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने में मैम जब हम लोग मतलब जैसे रात को कलेक्ट करते हैं तो उसमें लगभग एक से दो घंटे रात को कलेक्ट करके चेक करके सब चीज़ें व्यवस्थित रखने की वो मतलब ये तैयारी करने के लिए जब तक हम बांट ना दें तब तक वो ख़राब ना हो जाए और वो सब चीज़ सही रहे और सब अच्छा रहे तो उस लिए हम लोगों को कम से कम रात के समय में दो घंटे लगते हैं और जब हम उसके बाद हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं लगभग ढाई हजार लोगों की टीम है ऑल ओवर इंडिया में तो भोपाल में जो भी ऑन ग्राउंड रहते हैं या जहाँ पे भी होता है जहाँ पे भी ऑन ग्राउंड लोग होते हैं वो आज सुबह सुबह से पैकेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हमारी टीम चार पांच हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और वो हर जगह जाया जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उसमें लगभग दो दो से तीन घंटे का समय लगता है अगर मैं बोलूँ कि युवा जो कि कॉलेज भी जाता है पढ़ाई भी करता है नौकरी भी करता है उसके बाद में अपने समाज के दायित्व को भी समझता है बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि जब युवा ये कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं इस चीज़ के लिए आगे आ सकते हैं मुझे लगता है कि घर में ही जो बचा हुआ खाना है अगर हम उसको भी वेस्ट ना करें बाहर मत जाइए उसको भी अगर हम सही जगह तक सही थाली तक पहुँचा दें तो मुझे लगता है कि इन युवाओं का कहीं ना कहीं हम साथ ज़रूर देंगे लेकिन दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में बहुत ही खास जगह है जो इसको हम हिल स्टेशन बोलते हैं पचमढ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस पचमढ़ी को विज़िट करने के लिए शिव जी का वास है और भी बहुत सारा कुछ वहां पे खास है तो आइए अभी हम पर्यटन में आपको लेकर चलते हैं पचमढ़ी खुशनुमा मौसम और प्राकृतिक नजारों के सौंदर्य से भरी पचमढ़ी समुद्र तल से लगभग एक हजार सड़सठ चारों ओर खूबसूरत शैल शिखरों से घिरी पचमढ़ी की खोज कैप्टन जे फोरसाइथ ने अठारह में की थी फोरसाइथ के बाद आए अंग्रेजी अफसरों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने हिसाब से रचाया बसाया अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो रेल और सड़क दोनों ही माध्यम से यहाँ पहुंचा जा सकता है हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है यहाँ से पचमढ़ी के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भोपाल नागपुर और जबलपुर से पचमढ़ी के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी टूरिस्ट बसें और टैक्सियां सहज ही उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई जहाज से यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ काफी संख्या में सरकारी और निजी होटल उपलब्ध है पचमढ़ी से लगभग ढाई किलोमीटर दूर स्थित ये गुफाएं एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां और रेलिंग लगाई गई हैं। गुफा क्रमांक एक में भीम रहा करते थे जो रसोईये के दायित्वों का निर्वहन करते थे इसके अलावा गुफा क्रमांक दो में युधिष्ठिर और तीन में नकुल का निवास माना गया है गुफा क्रमांक पांच को सहदेव का निवास माना गया है इन गुफाओं की छत से अगर हम पचमढ़ी का नजारा लेते हैं तो दूर दूर तक फैले कोहरे से ढकी पहाड़ियां जंगल और पचमणी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है और शेष रह जाती है तो बस यादें ये वट वृक्ष भी उन्हीं यादों में से एक है जिसे उन्नीस में देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से लगाया था आज इस स्थान को हम सब राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं यह स्थान एक खूबसूरत पार्क का रूप लेता जा रहा है यहां से प्राकृतिक नजारों को देखना कम रोमांचकारी नहीं होता नीले आकाश के तले शांत भाव से पचमढ़ी का हृदय कही जाने वाली ये झील पर्यटकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है सूर्यास्त के क्षणों में नौका विहार करना और देखना एक सुखद एहसास की अनुभूति कराता है पचमढ़ी की रॉक पेंटिंग हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई पाषाण कालीन चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है कहा जाता है कि आदिवासियों ने अपने समय की युद्ध कला को चित्र के माध्यम से इन पत्थरों पर उकेरा है समय बीतने के साथ अब ये शैल चित्र फीके हो गए हैं और धीरे धीरे मिटते चले जा रहे हैं पर्यटकों के लिए ये एक जगह बहुत ही आकर्षक है जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं बी फॉल का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है ये रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है लेकिन जब पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं तो ऊंचाई से गिर रहे झरने में नहाने से अपने आप को रोक नहीं पाते तो दशकों हम पचमढ़ी लेकर गए जहाँ पे वाटरफॉल शिवजी और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाया पचमढ़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और हमें बहुत गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित है इसी के साथ में मैं यहाँ पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे डॉक्टर उद्देश्य मैं आपसे जानना चाहती हूँ जैसे कि हमने साइंस स्पर्श को लेकर जानना चाह आपसे बातचीत करी थी वैसे ध्यान को लेकर क्या साइंस है ये भी हम जानना चाहते हैं Uh, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंसान बीमार होता है उसकी नकारात्मक सोच के वजह से नकारात्मक भाव के वजह से जिसको हम मेडिकल uh, साइंस में कह सकते हैं परसेप्शन कह सकते हैं उसके अंदर की जो विजन uh, होती है वो का, काफ़ी बार गलत होती है काफ़ी बार उसके अंदर इल्यूज़न्स होते हैं भ्रम होते हैं करके उसकी कोई बिलीफ सिस्टम में भ्रम होते हैं तो जब ध्यान साधना करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो वो सारे एल्यूजन्स टूट जाते हैं रियलिटी बाहर आती है क्लैरिटी आ जाती है करके और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम आ, बीमार आ, सिर्फ शरीर से नहीं होते हैं, हम मन से ज़्यादा बीमार होते हैं मतलब थोड़ा पेन हुआ और हम उसको एग्जैग्रेट करते हैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं करे मुझे ऐसा हुआ और काफ़ी लोग ऐसे हैं आप देखो जो संत साधु महात्मा होते हैं उन्हें कैंसर जैसी भी असाध्य रोग होते हैं और वो आराम से रहते हैं अच्छे से बातें करते हैं खाते पीते उठते बैठते चलते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को बहुत लाइटली लिया है सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी ध्यान साधना करते हो उस तरह से आप उस लेवल पे उस चीज़ को ले जाओगे ऐसे बिल्कुल लेकिन इसी में मैं आपसे Hmm. जो आपने आंसर मैं काटना चाहती हाँ, सॉरी कि, कि, तो कि हम तो इतना स्वस्थ अपने जीवन शैली को अपनाते हैं उसके बाद भी हम बीमार क्यों हो गए लोग ध्यान को समझे नहीं लोगों को लगता है ध्यान का मतलब आखे बंद करना किसी मुद्रा में बैठना किसी आसन में बैठना किसी डायरेक्शन में बैठना लेकिन मेडिकल साइंस ये कहता है या एक्चुअल स्पिरिचुअल साइंस भी ये कहता है ध्यान का मतलब है जागरूक रहना अवेयर रहना होश में रहना ताकि आप क्या खाते हो क्या पीते हो क्या बोलते हो क्या सोचते हो आपके अंदर भाव क्या है उसको ध्यान कहते हैं तो अगर आप उस पर केंद्रित करोगे तो मुझे नहीं लगता इंसान बीमार पड़ेगा ऐसा नहीं कि सुबह आपने 15-20 मिनट ध्यान मेडिटेशन किया और बाकी के साढ़े तेईस घंटे आप गुस्से में डर से इरिटेशन से एंगर से ईगो के साथ चल रहे हो तो फिर इस ध्यान का क्या फायदा तो फिर तो वो कभी उस चीज का इलाज ही नहीं कर पाएगा ये आपने बहुत अच्छी बात और किसी पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है आप जो भी कर रहे हो ध्यान से करो जैसे महिलाएं जब दूध गर्म करती है गैस के ऊपर और जब ध्यान से करती है तो कभी वो उबल के नीचे नहीं आता mm -hmm. मतलब एक छोटा सा भी ध्यान हट जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है हाँ, करके ऐसा बिल्कुल बहुत नहीं? अच्छी बात आपने यहाँ बताई और बहुत छोटे से एग्जाम्पल्स से आपने सब कुछ यहाँ पे बता दिया अभिषेक जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आप रात में जाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं आप प्रोफेशनल्स हैं आपकी टीम में जो वर्किंग भी करते हैं और ऑबियसली बात है भले आप वर्किंग में हो या स्टूडेंट हो इस एज में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है तो मैं अगर बात करूँ कि इन सारी व्यवस्थाओं को करने में खर्चा भी होता होगा उसको कैसे मैनेज करते हैं मैम जो भी खर्चा होता है वैसे तो हम अपने ही जेब से और सब लोग मिल जितना भी खर्चा होता है हम अपनी जेब से ही करते हैं कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें खाना तैयार जैसे अगर पूड़ियाँ तैयार नहीं हैं या रोटी तैयार नहीं सिर्फ सब्जी लिक्विड जो भी होता है वो तैयार है तो हमें कभी कभार पूड़ियाँ बनवानी पड़ती है और रोटियाँ बनवानी पड़ती है कि ताकि वो चीज़ सही जगह पे और सही तरीके से यूज़ हो जाए तो वो भी हम लोग अपनी उससे ही करते हैं मतलब अपनी जेब से ही करते हैं और कई बार होता है कि कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग अपनी तरफ से डोनेशन करते हैं तो वो हमारे क्यू आर पे और हमारे एन जी ओ के अकाउंट में डोनेशन करते हैं तो हम लोग छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं फिर वो उससे भी मैनेज करते हैं और अगर नहीं होता है तो फिर हम अपने से मैनेज करते हैं उसको तो बिल्कुल लेकिन बहुत अच्छी बात है जहाँ पे युवा पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं हर खर्चे के लिए वहाँ पे यहाँ पे जो देखूँ मैं सी के जो पूरे वॉल्टियर्स हैं सर कि अपने ही पॉकेट से समाज के समाज लिए निकाल के लिए। रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर मैं उदय सर आपसे भी जानना हाँ। चाहती हूँ कि अगर कुदरती उपचार की हम बात कर रहे हैं तो उसके और भी क्या और भी क्या माध्यम हो सकता है आप देखो कि इंडिया में जो एक कल्चर है जैसे हम गंगा किनारे जाते हैं हम नहाते हैं या आरती करते हैं या पहाड़ों पे जाते हैं तो अर्थ वाटर फायर ये हर पंच महाभूता से जिसे हम बने हैं उसी को हम एक प्योरिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और निसर्गिक उपचार नेचुरोपैथी भी यही हमसे करवाता है हमें मड थेरेपी करवाते हैं राइट हमें सन बात करवाते हैं हमें आ, स्टीम दिलाते हैं हमें वाटर थेरेपी करवाते हैं हमें हाइड्रोकोलन थेरेपी करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वापस फाइव एलिमेंट्स को वो नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारा बिगड़ा हुआ है हमारे सेल्स के अंदर बॉडी सेल्स के अंदर जितना टॉक्सिनस है उसको डिटॉक्सीफिकेशन करने के सारे एनिमा के प्रोसेस है या कैस्ट्रॉयल है ये सारे प्रोसेस हमसे करवाते हैं करके तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितने नेचर के करीब हैं तो इतनी हम हेल्दी हैं हम नेचर से जितना दूर हैं जैसे आपने कोरोना के काल में भी देखा कि हमने जितना नेचुरल कलेमिटी मतलब क्रिएट किया उल्लंघन किया नेचर के लॉस को भंग किया तो वायरस निर्माण हो गए और उन्होंने हमारे लंग्स को डैमेज किया करके लेकिन जैसे जैसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती गई प्राणायाम कपाल भाती अनुलोम विलोम करते गए लोगों के अंदर से ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता गया और वायरस खुद ब खुद भाग गया करके तो उजाला पैदा करना है थ्रू थ्रू ऑल द द नेचर नेचर क्योर ऐसा है, और और करना है बिल्कुल और बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपने बोली लेकिन इससे से एक और प्रश्न मेरा हाँ। संबंधित है मैं जरूर थे हाँ। उससे पहले अभिषेक मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप कई बार ऐसा होता है कि शादी पार्टियाँ होती हैं हाँ। और लोग चाहते हैं कि जैसे अभी भी काफी सारे लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उनके घर में भी जो शादी पार्टी होंगी तो वो सोचते होंगे कि हम आप तक वो खाना पहुंचा दें क्योंकि वो अपने व्यवस्थाओं में रहते हैं वो नहीं कर सकते हैं कि ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए लेकिन अभी ही आपको देख के उनके मन में ये भाव अगर आता है तो वो क्या करें आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं मम हमारा सी uh, फाउंडेशन नाम से आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे सी फाउंडेशन तो आपको वहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे आप वहाँ पे कॉल करके और वहाँ पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके सारी डिटेल हमें बता सकते हैं और वरना www.cphd.in पे वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ पे पूरा वहाँ पे डिटेल दे सकते हैं ताकि हम लोग आपको रीच आउट कर सकें और हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं और फेसबुक पे भी सारे सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको इजीली आप रीच आउट कर सकें हमें आप वहाँ पे बिल्कुल हम लोगों को बताएं तो हम आप अगर तो आप नहीं कर नहीं। पा रहे हैं तो वो चीज़ हम करेंगे आपके लिए ताकि वो खाना वेस्ट ना हो प्रॉपर तरीके से हर एक इंसान के थाली तक जाना चाहिए और जो है उसको खाना मिलना चाहिए अभिषेक लेकिन लोग आपसे संपर्क करें अभी मान लीजिए आप भोपाल में हैं कोई टारसी का व्यक्ति आपसे संपर्क करता है तो क्या आपकी टीम वहाँ पहुँच पाएगी मैम ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर एक शहर में हर एक स्टेट में हमारे वॉल्टियर उपलब्ध हैं और अगर नहीं भी होता है तो हम कुछ ना कुछ करके वहाँ तक पहुँचेंगे और वरना किसी भी तरीके से उनका खाना वेस्ट ना हो हम यही कोशिश करेंगे ऑल ओवर इंडिया में ढाई हज़ार से ज़्यादा वॉल्टियर हैं तो वो कैसे ना करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और अधिकतर हर जगह पर हमारे वॉलेंटियर अवेलेबल है तो वो अपना टाइम निकाल के और सब कुछ करके वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ढाई हजार से ज़्यादा वॉल्टियर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं यानी कि कहीं पर भी अगर आपको ज़रूरत होती है आप सीपीएसजी से संपर्क कर सकते हैं टीम से और निश्चित ही समाधान होगा ये जान के बहुत खुशी हुई मुझे अभिषेक कि आपके साथ में जो यूथ है वो इतनी बड़ी तादाद में काम कर रहा है इट्स वेरी फंटास्टिक वर्क और इसी के साथ में उदय सर जब हम क्योंकि हमने इतनी सारी स्पर्श चिकित्सा की बात कर ली है हम लोगों ने ध्यान की बात कर ली है और भी बात

मेडिसिंस uh, को बंद करने के लिए करीबन पहले छः महीने एक साल तक मेडिटेशन या नेचुरल थेरेपीज़ को पैरल अपनाना पड़ता है और जब आपको लगे कि अब ये मेरी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ है या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ये बहुत सही तरीके से मैं उसको अपना पा रहा हूँ उसको मैं uh, नियमित तौर पे उसको फॉलो कर रहा हूँ उसके बाद टैपरिंग किया जाता है उसको टैपरिंग कहते हैं मेडिसिन के डोजेस को टैपरिंग किया जाता है तो स्लोली स्लोली बंद करते करते और वो भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ मतलब ब्लड रिपोर्ट एक्सरे सोनोग्राफी सीटी स्कैन

एक दो घंटे की मेहनत के बाद वहाँ पहुँच पाते हैं और उसके बाद भी ऐसा पता चलता है कि वो खाना खराब है और कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमें मतलब कच्चा आटा मिल गया और वो मतलब उसी टाइम वो ख़राब होने वाला है और हमें उसको करना है रात को ही बनवाना है और ख़त्म करना है तो इस सब चीज़ों के मतलब हमें वहाँ पहुँचने के बाद भी ये पता चलता है किस कि, मतलब कुछ काम ही नहीं हो पाया इसका और इस चक्कर में बहुत तकलीफ हो जाती है और वो चीज़ ना हमारी मेहनत भी चली जाती है फालतू तो सामने वो खाना वेस्ट हो जाता है हम यही बोलते हैं सबसे कि आप सही टाइम पे हमें जानकारी दे देते हैं तो आज वो खाना किसी के काम आ जाता वेस्ट नहीं होता इतना नुकसान मतलब वो चीज़ देख के एकदम इतना लगता है अंदर कि ये चीज़ किसी के काम आ सकती थी लेकिन लोगों ने सही समय पे हमें नहीं बताया और मतलब लोग नहीं है कि सही समय पे उनके आसपास ही अगर कोई ऐसा कर रहा होता अगर हमसे जुड़ा होता और वो आसपास ही उसी शादी में कोई ऐसा इंसान होता कि उसी टाइम उनका काम हो जाता तो वो खाना आज बच गया होता अभिषेक ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि उसी गैदरिंग में ही कोई ऐसा व्यक्ति होता कि वो इस अहमियत को समझ पाता कि जो खाना बचेगा वो कहाँ पहुँचना चाहिए तो शायद जो मेहनत आपकी थी जो आपने इतना ट्रैवल करके गए वहाँ नहीं और इसके अलावा मन भी दुखता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सब में आ जाती है तो मुझे लगता है कि ये नौबत ही नहीं आएगी कि खाना खराब हो

एक होता है इन्फॉर्मेशन और तीसरा होता है एक्शन राइट right? आपको नॉलेज मिल सकती है इंफॉर्मेशन मिल सकती है लेकिन एक्शन विदाउट गाइडेंस ये कभी नहीं करना है ये चीज ध्यान में रखना है, है कि नहीं आज मैं भी डॉक्टर हूँ लेकिन जब मेरी फैमिली मेम्बर में किसी को भी कोई बीमारी होती है तो मैं भी जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेने के बाद में कोई एक्शन लेता हूँ ऐसे एक्शन नहीं लेता हूँ राइट बिकॉज कहीं ना कहीं सीनियरिटी के एक्सपीरियंस मैटर करते हैं लॉट और बगैर अनुभव के आप सिर्फ गूगल सर्च करके अगर आपने कुछ अ कोई चीज को अपना लिया खाने पीने में या दवाइया बंद कर दी तो ये ऐसा काम नहीं करने वाला है करके, mm -hmm. बिल्कुल हाँ. और वो उस चीज के क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते exactly, हैं जो exactly. सही राह दिखा सकते डॉक्टर yes, इसलिए तो हम कहते तो हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है mm -hmm. मतलब डॉक्टर भी एक बॉडी का एक गुरु होता है जो हमें गाइडेंस दे सकता है सो so ट्रू right. कितनी अच्छी बात आपने yeah. बोली कि एक डॉक्टर हमारे बॉडी का गुरु होता yes, है जो हमें yes, सही बात है, है. Yes, बिल्कुल अब उसको बाईपास नहीं है. कर सकते करेक्ट yeah. उनको हम बाईपास नहीं कर और वही हम करते हैं गूगल ah. सर्च करके right. हम खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं बन भी जाते ah. हैं और अपनी बीमारी को एक्यूट से क्रॉनिक तक पहुँचा देते हैं और वहीं से समस्या की शुरुआत हो जाती है और फिर बाद में हम कई बार ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर ने सही नहीं सही बात है क्योंकि हम पहुंचे ही लेट अभिषेक जी जैसे आपने बोला की ढाई हजार के लगभग आपके साथ में वॉल्टियर हैं। बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी डेफिनेटली तो ऐसा देखा जाता है कि गर्ल्स को थोड़ा तो सा परमिशन कम होती है जैसे आपने बोला शादी में रात में जा रहे हैं तो परमिशन कुछ गर्ल्स को नहीं मिलती होगी कुछ को मिलती होगी तो क्या ऐसा भी कुछ मुश्किल आती है कि कभी आपने एज अ वॉलेंटियर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बीइंग अ गर्ल कि आप ये कर लें और वो मना कर देते हैं तो आपकी टीम कैसे कोआर्डिनेट करती है मैम कई बार ऐसा होता है कि हमें रात को जब हम लोग जैसे कभी किसी काम में होते हैं या नहीं होते अवेलेबल तो कई बार मतलब अधिकतर तो हम मतलब काम को देख के घर वाले जो होते हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक इंसान को वो चाहे लड़की हो या लड़का तो वो मतलब उनको मना नहीं करते कई बार अधिकतर ऐसा होता है कि हमारी ब्लैंकेट डोनेशन ड्राइव भी जो चलती है उसमें हम रात को रात रात भर मतलब ढूंढते हैं लोगों को फिर उनको कंबल देते हैं तो हमारी गर्ल्स भी जो वॉलेंटियर हैं वो भी उसमें रहती हैं और उनके घर वाले उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग उनको ही पूरा आके तो मतलब खाने की जैसे कुछ भी बनाना है पूड़ियाँ बनानी है रोटियाँ बनानी है और सब्जियों को गर्म करना है तो कई कई बार वो सुबह अर्ली मॉर्निंग गर्ल्स आके और वो पूरा तैयारी वैयारी स्टार्ट कर देती हैं और वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं और वो पैकेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका भी एक बहुत हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और उसके कारण उनकी एक्सपीरियंस के कारण भी हमें मतलब हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कितना बैलेंस तो। होता है ना कि कई बार अगर हम गर्ल्स को कंफर्ट जोन देना चाह रहे हैं रात रा तो बारत उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते हैं अपने साथ में टीम में तो हम उनसे रोटियां घर में बनवा सकते हैं ताकि आपकी मदद हो सके तो वो कहते हैं ना कि जब हम चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं लेकिन हमें चाहना तो ज़रूरी है एक कदम उठाना तो जरूरी है तभी तो हम क्लाइम कर पाएंगे हम सोचते तो हैं कि हमको पहाड़ चढ़ना है लेकिन वो एक कदम ही तो नहीं उठाते हैं तो यहाँ पर जब भी आप समाज सेवा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सोच का निर्माण होना बहुत जरूरी है उसके बाद ही आप कदम उठा सकते हैं यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर उदय आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि गूगल सर्च नहीं करना हाँ। चाहिए एक इन्फॉर्मेशन लेने अलग बात है लेकिन उस पर डिपेंड हो के सारा ये, कुछ ये, अपना ट्रीटमेंट करना सही नहीं exactly. तो कहाँ जाए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न प्रश्न बड़ा लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो जैसे हमारी भी काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब पे डॉक्टर उदेशा के नाम से या साई करुणा मिशन के नाम से हजारों वीडियोस हैं तो जब लोग देखते हैं ना तो लोगों को अब क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे अब ई स्पेशलिस्ट के पास जाना है गाइनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है या आयुर्वेदा शास्त्र के पास जाना है या होम्योपैथी के पास जाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं किया प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ट्रीटमेंट पार्ट में प्रॉब्लम है डायग्नोसिस पार्ट में बहुत परफेक्ट है साइंस समझ में गए कि वो कहते हैं सेकेंड स्टेज का कैंसर है थर्ड स्टेज का कैंसर है तो जब लोग गूगल सर्च करते तो उन्हें समझ में आता है मेरा स्टेज कौन सा है तो कौन से स्टेज पे अब मुझे किसको अप्रोच करना चाहिए अगर स्टेज कम वाला है तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव थेरेपी वालों को आप अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है आप स्टेज बहुत आगे बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं फिर मेडिकल डॉक्टर्स या एमडी डॉक्टर्स या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अप्रोच करना ये पेशेंट को खुद को समझ में आ जाता है बिल्कुल अभिषेक मैं आखिरी प्रश्न आपसे करूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस ड्राइव को लेकर इस मंच के माध्यम से हम यही संदेश है कि मतलब जो भी खाना अगर आपको लगता है कि ये वेस्ट हो रहा है मतलब खाना और भी जो चीज़ें हैं जो किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है वो सिर्फ आपके थोड़े से एफर्ट लगाने से थोड़ा सा आपकी आगे बढ़ के आने की से तो वो लोगों तक पहुंच सकती है और कई लोगों का भला हो सकता है कई लोगों का पेट भर सकता है कई लोगों की बीमारियां खत्म हो सकती हैं उनका प्रॉपर खाना नहीं मिलता लोगों को तो कई बार मतलब कई दो तीन दिन पुराना खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है तो वो चीज अगर आपकी जो खुशियाँ हैं वो भी अगर वो खुशियाँ किसी को और को बांटेंगे आप तो वो कितनी बढ़ जाएगी किसी अगर आपका एक कुछ भी एक अच्छा काम है और वो लोगों की जब आपको दुआ मिलेगी जहाँ से खाना बन के आए जिसके मतलब एफर्ट से जिसके पैसों से खाना बनाए तो वो लोग अपने मन में दुआ करेंगे और दुआओं से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बहुत असर पड़ता है बिल्कुल बहुत अच्छी आपने यहाँ पे बात बोली और इसी के साथ में मैं लास्ट छोटा सा मैसेज डॉक्टर उदेशा आपसे जानना चाहूँगी बहुत संक्षेप में क्योंकि समय की थोड़ी क्लियर जी मैसेज तो देखो बहुत सिंपल है कि जितना समय हम व्यर्थ में न्यूज़ चैनल के लिए या पॉलिटिक्स के लिए हम जो गवाते हैं यहाँ वहाँ की बातों में चर्चा करके उलझते हैं इससे तो बेटर है अपने शरीर के इंफॉर्मेशन नॉलेज निकालिए क्या खाना क्या नहीं खाना सोच कैसी होनी चाहिए अलग अलग प्रकार के ध्यान जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा ये पूरे लॉकडाउन के पीरियड में दो साल हमने करीबन दो 1200 अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स, टॉपिक्स मेडिकल टौपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की शाम को 6 से 7 बजे ऑनलाइन पे और ढाई लाख से ज्यादा लोगों को हमने जागरूक कर पाए तो हम ऐसे जगह पे समय डाले जहाँ पे हमें अपने बारे में ज्यादा कुछ समझने को मिले और हमारे अंदर की जो भी बीमारियां हैं छोटे से बड़ी बीमारियां हैं हम उसका इलाज बहुत अच्छे से कर पाए बिल्कुल यानी कि खुद को जानना बहुत, बहुत जरूरी, है। जरूरी है और इसी के साथ में यहाँ पे दर्शकों हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उदय शाह जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि स्पर्श और ध्यान से हम कैसे रोगों का निराकरण कर सकते हैं अभिषेक मकवानी थे जो कि बहुत खास काम कर रहे हैं लोगों तक जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं सी के माध्यम से उनका भी यहाँ पे हम धन्यवाद करते हैं आप दोनों यहाँ पे समय निकाल के आए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों आज के कार्यक्रम के चर्चा का विषय जो था जिस पर हमने आज चर्चा करी थी वो बहुत खास जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ चर्चा करने के लिए आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार